उसको सीखना है, इसको कहते हैं टेक्निक। आपने घेर लिए दो आदमी, बांध लिए चारों तरफ से फुल जोश में, और कब तक बांध के रखोगे उनको ऐसे ही? एक घंटा दो घंटा सवेरे से लेकर शाम तक बांध के रख लोगे, कमरे बंद कर दोगे उनको, कुछ कर लोगे, कब तक बांध के रखोगे? कभी तो भाग जाएंगे आप कितने भी जोशी लेके ना हो। लेकिन उनको परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए आप सिर्फ जोश के दम पर उनको नहीं बांध के रख सकते। अगर आपने उनको परमानेंट रोकना है तो एक बार उनको बिजनेस को लेकर के कन्विंस करना पड़ेगा, और कन्विंस करने की जो कला है और लोगों उनको प्लान प्रेजेंट करने की जो कला है, इस बिजनेस को शेयर करने की कला है, इसी को कहते हैं टेक्निक। ये हमें विकसित करनी है, इसे सीखना होता है। टेक्निक्स जो हैं हमेशा सीखी जाती हैं। तो 8% चीज़ें जो हम नहीं जानते थे, लेकिन इस बिजनेस को लेकर के हमें सीख लेना है, विकसित कर लेना है। और इस बिजनेस में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ये बिजनेस जो है 3 स्टेप में होता है। पहली कैटेगरी होती है टीम ए। ये टीम ए वो लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं आपकी टीम में। आपकी टीम में लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जितने भी लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, ब्रॉन्ज हैं, प्लैटिनम हैं, सिल्वर हैं, जो लोग जब तक ये बोलते रहते हम तो नए हैं, हम तो नए हैं, हम तो नए हैं, तो ये लोग कभी जीवन में पैसा नहीं कमाते। टीम ए वाले, ये लोग पैसा नहीं कमाते, ये लोग सिर्फ पैसा कमवाते हैं दूसरों को, अपलायनों को। इस बिजनेस में पैसा कमाते नहीं ये लोग, ये कमवाते हैं। टीम जो ए है, ये आपकी टीम में जो भर्ती हो रही वाली लॉबी है, जो भर्ती होती रहती है लगातार लगातार लगातार, ये लॉबी क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, और ये बोलती है हमको आता नहीं है कुछ भी, हमको कुछ नहीं आता, ये अपलायन के भरोसे, सिस्टम के भरोसे हैं। तो ये लोग इस बिजनेस में पैसा नहीं बनाते हैं, नहीं कमाते हैं। क्यों? इनको प्लान दिखाना आता नहीं, किसी को ज्वाइन कराना आता नहीं है, वेबसाइट खोलना आता नहीं है, लॉग आईडी क्रिएट करना आता नहीं है, प्रोडक्ट डिस्पैच करवाना आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता इनको, और ना ही सीखना चाहते। तो ये बिजनेस में आएंगे और ये लॉबी आती जाती रहती है, बदलती रहती है। आज यहाँ आई, कुछ दिन यहाँ काम करेगी और 10-20-50 लोगों को ज्वाइन करवा के चले जाएंगे अपने प्रभाव से, फिर निगेटिव हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर एक साल घर बैठे रहेंगे, फिर दूसरी कंपनी वाला आएगा, फिर इनको समझाएगा, फिर इनके सपने हरे करेगा, फिर ज्वाइन करा ले जाएगा। 30-40 वहाँ ज्वाइन कराएंगे, फिर वहाँ से फिर क्विट करके भाग जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और निगेटिव होने के बाद में अब बोलेगा अब आजीवन नहीं करूँगा, और आजीवन नहीं करूँगा तो इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस बार 2 साल तक नहीं किया। और 2 साल के बाद फिर कोई टाइगर आ गया और दह दनादन, बोले तुम सही कह रहे हो, लो मेरा ड्यूटी, उसको भी दे दिया। ये लॉबी पैसा नहीं कमाती है, लेकिन और ये तादाद बहुत ज्यादा रहती है इनकी, है ना। अब इसमें से एक लॉबी ऐसी बनती है, इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर रहते हैं, ये टीम भी रहती है, पैसा कमाना चाहते हैं तो कमाने के लिए ये लोग सीखते हैं, और ये लोग प्लानर बन जाते हैं, कोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोर। ये प्लान दिखाना सीख लेते हैं, सेल निकालना सीख जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करना सीख जाते हैं, और ये काम करते हैं, कोर तैयार हो जाते हैं। तो अभी आप बताओ, ये कोर बन गया, अनजान व्यक्ति को भी ज्वाइन करा लेता है, उसका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग कम पैसा कमाते हैं, कम। इनका चेक दिस वीक चेक 1,000 रुपये, फिर नेक्स्ट वीक में दिस वीक चेक निल, फिर अगले वीक में दिस वीक चेक फिर 1,000 रुपये। क्यों? ये बिल्कुल जो नौकरी करने वाले व्यक्ति है, मजदूर आदमी है, सेल्समैन है, उसकी तरह रहते हैं। ये ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे कभी भी, जितना काम करेंगे उतना दाम मिलेगा इनको। जब जब प्लान दिखाएंगे, किसी को ज्वाइन कराएंगे तो व्यक्ति इनकी टीम में आ जाएगा, तो इनका चेक इस सप्ताह का बन जाएगा, और नहीं काम करने जाएंगे, नहीं किसी को ज्वाइन कराएंगे तो इनका चेक नहीं बनेगा। ये टीम बी है, और ये टीम बी कहाँ से बनी? इसी भीड़ में से निकल के आई है।
इसी में से तो आई ना, ए में से बी बनी, बी टीम बनी, इसी में से निकल के आती है। तो आप बताओ टीम ए और टीम बी में ज़्यादा बेहतर कौन है? बी टीम। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास क्या करना चाहिए? तो ये तो कुछ ना कमाएंगे उनसे बढ़िया थोड़ा तो कमा लें, लेकिन ये जो बंदे जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च भी होता रहता, संग की संग बराबर। चेक बना 2000 का, 3000 का, 1000 का, और पेट्रोल में, इसमें, मीटिंग में, इसमें, ट्रेनिंग में, दिशा में, इसमें, सब बराबर हो जाता है, और हमेशा ये माइनस में रहते हैं हमेशा। हेलो ये ज्यादा रोकड़ा ना बना पाएंगे कभी जीवन में, कंसेप्ट ही नहीं है। नौकरी वाला हमेशा माइनस में रहता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह है 40,000 रुपया और खर्चा है उसके 55,000 रुपया, तो इस महीना में माइनस कितना चला गया? 15,000 माइनस। तो इस उम्मीद में था कि अगला महीना तनख्वाह आएगी तो बराबर हो जाएगा, तो अगला महीना तनख्वाह फिर 40 आई और अगले महीने खर्चा फिर 55,000 था, तो इस महीना फिर माइनस 15, तो अब इस बार माइनस 30 हो गया, 15 पिछले महीने का, 15 इस महीने का, जबकि कमाना कितना है हमको कि खर्चा अगर हमारा 55,000 है तो हमारी आमदनी 55,000 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो पूरे महीने का खर्चा किया हमने 55,000, फिर भी बच गए, तब सुकून आता है। और अब ये जो टीम बी है, तो टीम ए तो पैसा बनाएंगे ही नहीं, ये बनाएंगे लेकिन कितना, जितना जब तक करते रहेंगे तब तक आता रहेगा, जिस दिन करना बंद तो उस दिन आना बंद। सेल निकालेंगे चेक बनेगा, नहीं निकालेंगे चेक नहीं बनेगा। ये टीम बी है। और टीम है टीम सी, इसको हम कहते हैं सुपर सी। क्या कहते हैं? सुपर सी कहते हैं। ये सुपर सी क्या करते हैं? इन्हीं में से निकलते हैं, इनमें से फिर और निकलते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये होते हैं लीडर्स। कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं। ये लीडर्स कोर में से कुछ लीडर्स निकल आते हैं और अपनी टीम में कोर तैयार कर लेते हैं। तो इनकी टीम में जो कोर तैयार हो जाते हैं, प्लानर दिखाने वाले होते हैं, सेल निकालने वाले तैयार हो जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकी टीम में ये लीडर्स हैं, इनकी टीम में 10 लीडर्स तैयार हो गए, तो एक सप्ताह में एक एक व्यक्ति एक एक सेल क्लोज करने वाला है, तो प्रति सप्ताह ये इन्होंने सेल नहीं भी क्लोज की तो भी इनके लिए कितनी सेल निकल गई? 10 सेल निकल गई। और एक दिन का लक्ष्य है 10 में और 10 लीडर्स तैयार करना। तो सेल कहाँ पे पहुँचेंगी? 20 पे। फिर और 10 लीडर तैयार करना, फिर और 10 लीडर तैयार करना, ऐसे करके ये लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं बिजनेस के, टीम बनाने के। अब आपको आंख बंद करके आप इस बिजनेस में आए थे और आपने 2003 में ज्वाइन किया मैंने इस बिजनेस को और 2004 निकल गई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं तो नया हूँ, तो मैं पैसा ना बना पाऊँगा, मैं नया हूँ तो। और फिर 2004 निकल गई, 2005 निकल गई, 2006 निकल गई, 2007 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, और इतना भयंकर आती हो गई कि एक दिन मेरे को मजबूर होना पड़ा कि चलो मैं कोर बन ही जाता हूँ। तो 2009 में मैं कोर बना, प्लान दिखाना सीखा, फॉलोअप करना सीखा, जबकि 2009 में बनना चाहिए था मेरे को डायमंड, और मैं बना अभी कोर। तो अब क्या होगा? मेरा चेक बनना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो गया। और 2009 से लेके और 2023 तक मैं कोर ही बना हुआ हूं, और मैं बोलता हूं मैं 100% कोर हूं, मैं 100% सिस्टम पे हूं, मैं 90% जोश में हूं। तीनों चीजें होने के बावजूद भी तुम पैसा ना बना पाओगे बच्चे, सही है? जितना उतना ही बना पाओगे जितना कमाओगे। बिजनेस का कंसेप्ट समझना है। बिजनेस हम टाइम कंपाउंडिंग के लिए इस बिजनेस में आए हैं, ये कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? टाइम कंपाउंडिंग, यही कंसेप्ट है। ले दे के निचोड़ यही है, पहुंचना हमें यही है, पहुंचना यही है। जैसे आदमी का जन्म मिला तो आदमी जन्म का जो मेन मकसद है वो क्या है? जहां से आए हो वहीं वापस जाना है। जहां से आए मतलब कहां से आए, तो बनाने वाला परमात्मा है, उसी का अंश है हम, और उसमें से निकल के आए और उसी को प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। अब आने के बाद तुम हिमालय पर पहुंच के करो, चाहे गृहस्थ जीवन जी के करो, चाहे तपस्या करके करो, चाहे सुंदर पिचाई बन के करो,
चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के करो, चाहे नॉर्मल आदमी बन के करो, मकसद तो वही है, अल्टीमेट मकसद तो वही है, फिर उसी को प्राप्त कर लेना है ना। तो ये बिजनेस का मकसद यही है, टाइम कंपाउंडिंग है। और हमें इस बिजनेस में आए तो जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें तुरंत, और उससे भी ज्यादा जल्दी है इस बिजनेस को करना सीख लें तुरंत तुरंत। सारी चीजें अपने हाथ में, हाथ में, मेरी लॉग आईडी मैं खोलूंगा, रजिस्ट्रेशन मेरी द्वारा होगा, मेरी टीम को तुरंत सिखाना शुरू करूंगा, मैं सेल अपना निकालना सीखूंगा, फॉलोअप करना सीखूंगा, सेल क्लोज करना सीखूंगा, जो भी चीजें हैं छोटी 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 सबको सीख लूंगा। इसमें मुझे क्या लगता है, ट्रेनिंग के लिए मैं कहाँ से जाऊँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मीटिंग के लिए मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास फॉलोअप करने के लिए टाइम ही नहीं है। ये टाइम नहीं है, इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ही तो इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने, जिनको आप क्लोज करने के लिए जाओगे, वो लोग आप सवाल पूछेंगे ना, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, वो लोग सवाल पूछेंगे। हर सवाल को हिमालय पर्वत की माफिक फेस करना है, उसको फेस करना है, खुद समझ के नहीं आना, समझा के आना है। भैंस फूंक मारेगी, समझ के नहीं आना, समझा के आना, यही मेरा मकसद है। क्या है कि एक आदमी की भैंस बीमार हो गई, ये कहानी तो आपने सुन रखी होगी, लेकिन सुनाते नहीं है किसी को भी। ये कहानी सुनने के लिए नहीं है, डेली 4-5 बार सुनाने के लिए है। और जो जितना समझाएगा, इसको आप अमल करेगा, वो ज़्यादा रोकड़ा कमाएगा। हमारा पूरा बिजनेस कहानियों पे है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस पर है? हमारा नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदे तोता की, बगुला की, कौआ की, बंदर की, बंदरिया की, भैंस की कहानी सुना सुना के करोड़ों झाप लेते हैं। जितने भगवताचार्य हैं, जितने भागवत पढ़ने वाले बंदे हैं, सारे कहानी सुना सुना के करोड़ों छाप लेते हैं, करोड़ों और सब्सक्राइबर बना लेते हैं, अपने फॉलोवर्स क्रिएट कर लेंगे। सिर्फ कहानी सुनाते रहते हो, नचाते रहते हैं, बस दो ही काम करते रहते हैं। कभी हनुमान जी की कहानी, कभी बंदर की कहानी, कभी भगत जी की कहानी, कभी पंडित जी की कहानी, कभी संत की कहानी, कभी साधु की कहानी, कभी बगुला की कहानी, कभी नीलकंठ की कहानी, कभी खुशी की कहानी। कहानी तो चलती है और बीच में थोड़ा डांस चलता रहता है, बस हो गया काम। और तो वही तो आपको भी करना है। लेकिन कहानी आपने सुन रखी है। तो भैंस बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गई, इंजेक्शन लग नहीं सकता था, प्रॉब्लम ज़्यादा थी। डॉक्टर साहब बुलाए गए, जानवरों के डॉक्टर, इंजेक्शन लग नहीं सकता था। और तो देखा कि इसको तो ट्रीटमेंट करना है भाई, और भैंस जो है वो प्रेग्नेंट भी है, तो अगर इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो भैंस को जो बच्चा है होने वाला है उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो डोज ऐसी देनी चाहिए जो बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और बीमार भी है, ठीक करना भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने एक जुगाड़ बैठ देखी, गांव के देसी डॉक्टर रहते हैं, जुगाड़ू रहते हैं पूरे, तो जुगाड़ू डॉक्टर थे। जुगाड़ू डॉक्टर ने एक पाइप का इंतजाम किया, क्या इंतजाम किया, पाइप का। और ऐसे नहीं सुननी कहानी कि मैंने सुन रखी है, ऐसे सुननी है कि इसको वसूल के कम से कम इस कहानी से 1 करोड़ बनाने, ठीक है। कहानी सुनाना शुरू कर दो, बंदरिया की कहानी सुना सुना के हम साले करोड़ों छाप लिए, और आज भी हिट है कि नहीं है, अभी सुनाई नहीं है, सुनाऊंगा उसको भी अभी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को सुना के पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, तो वो सुनानी है। पाइप का इंतजाम किया गया, और डॉक्टर साहब ने जो गोली दवाई वगैरह थी उसको पीस लिया, क्योंकि टेबलेट नहीं खा पाएगी ना भैंस, पीस करके, और एक सिरे पर उसने पीस के दवाई उसमें डाल दी, और दूसरा सिरा भैंस के मुंह में डाल दिया, और फूंक मारूंगा ऐसे ही तो दवाई कहाँ पहुंच जाएगी, पेट में पहुंच जाएगी। और डॉक्टर साहब फुल एक्साइटेड, और पाइप मुंह के भैंस के मुंह में रखा एक सिरा, दूसरा सिरा उसने अपने मुंह पर लगा लिया फूंक मारने के लिए, और जैसे ही फूंक मारनी थी उससे पहले भैंस ने फूंक मार दी। अभी दवाई कहाँ पहुंच गई, दवाई वहां पहुंच गई, और बच्चा देना था भैंस को, अभी देने का मन किसका कर रहा है, डॉक्टर का मन कर रहा है। अभी सुनो, तो डॉक्टर क्या कर रहा, दवाई भैंस को खिलाने की बजाय खुद ही खा के आ गया। और इस बिजनेस के डॉक्टर भी आप हो,
पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे, कौन हो आप लोग? इस बिजनेस के डॉक्टर हो, वेटरनरी डॉक्टर? तो वो तो जानवरों का था, और आप इंसानों के हो, जीवन बदल देने वाले डॉक्टर हो। तो अभी क्या हुआ, इसमें से कोई डॉक्टर बोला कि गुरुजी जय दवाई खिलानी पड़ेगी, इंजेक्शन ना लगा पाएंगे जय को, और टैबलेट खाना पाएगा जी। तो इसने भी मुंह में लगाया पाइप और फुर्र उल्टा वो फूंक मारता है और आता है रोता हुआ मुंह बना के आएगा पलंग के पास, हमसे ना हो पाएगा गुरुजी, हमसे ना हो पाएगा, दवाई खा के आ गए उल्टा। अगर आपको डर है कि आपको वो फूंक मार सकता है तो दो जाओ, दोनों हावी हो जाओ, अरे पूरे खानदान की फूंक मार के आओ, सेट करके आओ, अप्लायन को लेकर के जाओ, उसको सेट करके आना है। और बच्चू बोला तू एक बार में सेट नहीं होगा, दो बार में करूंगा, और तू मेरे अकेले से ना होगा, मैं एक और लाऊंगा अगली बार, हम दो से करेंगे, हम मेरे पास लाइन लगी पड़ी है अपलाइन होगी, और अपलाइन कम पड़ गया दो चार डाउनलाइन को लाऊंगा, लेकिन तेरे पूरे खानदान को सेट करके जाऊंगा बेटा, दवाई नहीं खिलाई तो मेरा भी नाम नहीं तेरा, है ना, सेट करना उसको, उसकी तैयारी करनी है। आप सबको दवाई खिलाई कि नहीं खिलाई? कैसे कह रहे हैं यस? तो आप ही मरीज बने रहोगे कि डॉक्टर बनना है? तो मरीज बनने के बाद में देखो, जब डॉक्टरी की पढ़ाई होती है तो उनको पढ़ाने वाला भी तो डॉक्टर ही होता है। इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं, 200 लोग MBBS करने के लिए आए हैं यहाँ पर, उनको पढ़ाने वाला भी डॉक्टर है, लेकिन अब एक डॉक्टर होने वाले डॉक्टरों को पढ़ा रहा है, लेकिन ये हमेशा जीवन भर स्टूडेंट ही बने रहे, बकवास कर रहे हैं। तुमको तुरंत डॉक्टर बनना है, 3-4 साल 5 साल बाद खत्म का नहीं, और डॉक्टर डॉक्टर अभी से चिल्ला रहे हो। तो डायमंड को पढ़ाने वाला भी डायमंड है, लेकिन कुर्सी आपकी यहाँ है असली, तुरंत कूद काद के तुरंत यहाँ आना है, अपने को तैयार करना है, मकसद यही है। हमेशा हम तो बच्चे हैं, हम तो नए हैं, फिर बकवास कर रहा है, नए हैं कब तक नया बना रहेगा? अभी शादी हो गई, हल्दी भी छूट गई, मेहंदी भी छूट गई, अभी कह रहा मैं नया हूँ, दूल्हा दुल्हन बकवास कर रहा है, दो झापड़ने लगे उसमें, बोला नया हूँ, कब तक नया बना रहेगा? तो इस बिजनेस को करने के लिए नया कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो वो पता भी नहीं चलेगी, हवा में पड़ेगा झापड़ खींच। इस बिजनेस को करने के लिए मकसद क्या है, सीधा टीम ए के तौर पर हमारी भर्ती हुई, लेकिन ए से हमें तुरंत कहाँ कूद जाना है, ए में ही अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, भयंकर शर्म की बात है। आपको अभी कर इस बिजनेस में आए हुए 1 साल हो गया और अभी भी आपकी गिनती ए में, बहुत चुल्लू और पानी में डूबने वाली बात है। हमको तुरंत इस बिजनेस का मर्म नहीं जाना, अभी तक हमने इस बिजनेस को कूद के तुरंत क्या बन जाना है, तुरंत बी बन जाना है, मतलब इस बिजनेस को सीखना है करना, और बी बनने के बाद असली मकसद क्या है, माल कमाना है। कौन कमाएगा माल? जिसकी टीम में कोर होंगे, जो खुद लीडर होगा, टीम को लीड करेगा, है ना। तो ये कौन हो गया, ये सी हो गया, और सी के बाद अगली बारी आती है सुपर सी की। कौन सी बारी आती है? सुपर सी, जो मैं बोल रहा था। सुपर सी कौन होते हैं? ये जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स, इन्हीं में से ही सुपर सी निकलते हैं, और सुपर सी इनमें से निकलेंगे। ये लोग अपनी टीम में लीडर्स तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं? लीडर्स तैयार कर लेते हैं। इनकी टीम में कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं। ये बिजनेस पूरा का पूरा लीडरशिप पे है, तो आप लीडर्स तैयार कर लेते हो। जैसे कि जिस मकाम पर संजय जैन साहब पहुंचे हुए हैं, जिस मकाम पर नरसिंह ग्रेवाल साहब पहुंचे हुए हैं, जिस मकाम पर जसवीर जी पहुंचे हुए हैं, इनकी टीम में चारों ओर लीडर्स इतने तैयार हो चुके हैं कि ये जो बिजनेस की बारीकियों से संबंधित सेल निकालने का काम करें भी या नहीं भी करें, तो भी इनके लिए हजारों लाखों सेल्स निकलती रहती हैं, और इनकी टीम में डायमंड्स बनते रहते हैं। और बिजनेस का मकसद हमारा यही है, टीम ए के तौर पर हमारी भर्ती होती है, टीम बी के तौर पर इस तरह से है, आप एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी भर्ती होती है, और फिर आप 5 साल की डिग्री लेते हो, फिर 2-3 साल की और डिग्री लेते हो, और फिर आप डॉक्टर बन जाते हो, MBBS कंप्लीट करते हो। तो MBBS कंप्लीट करने के बाद में आपको जो मेडिकल की जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं, उसके बाद भी आप MS करते हो स्पेशलाइजेशन के लिए,
पर्टिकुलर किसी फील्ड में, अभी तो आप ह्यूमन बॉडी को समझा आपने, तो मेडिकल साइंस आपने पढ़ ली, ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर को समझ लिया, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए फिर आप नेक्स्ट डिग्री लेते हो, और नेक्स्ट डिग्री लेकर के फिर आप जाकर क्या बनते हो, पर्टिकुलरली आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे बिजनेस में भी यही करना है, इसको कहते हैं 8% इस बिजनेस को करने की तैयारी करना। तो आप लोग जितने भी लोग हमारे साथी हैं, अब आपको 90% जोश में तो हो गए, अब उसमें होने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, इस बिजनेस को बारीकियों को समझना है, इस बिजनेस को करना सीखना है, और इस बिजनेस को करना सीखेंगे तो क्या होगा, इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा अचीवमेंट बना पाएंगे। नरसिंह ग्रेवाल साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमेशा याद रखना, आपका प्रत्येक प्लान एक बड़े साम्राज्य की नींव का पत्थर है, हर प्लान किसी का जीवन बदल सकता है, इसलिए पूरी पवित्र भावना से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, देखो आप साइड इफेक्ट क्या होंगे, अगर आपने सपोज प्लान दिखाना अच्छे से नहीं सीखा और आपने छेड़ दिया किसी ऐसे व्यक्ति को जो भविष्य का लीडर है, उदाहरण के लिए जसवीर जी को किसी ने प्लान दिखाया और जसवीर जी को प्लान दिखा करके, हाँ भाई जसवीर जी ये हमारी कंपनी है, कंपनी में अगर आपने बेटा काम कर लिया तो हमारा खानदान बदल जाएगा, और जब मैं काम कर रहा हूँ 3 साल से, मेरी भी 3 की टीम हो गई है, और ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इन्हें 2 क्वेश्चन मारे तो उल्टा निगेटिव हो गया, बोला इनने बोला वो तो बढ़िया है, तेरे 3 साल में तुम्हारा कुछ ना हुआ तो क्या गारंटी का हमारा भी 3 साल में कुछ हो जाएगा। बोला कह तो सही रहे हो जसवीर जी, अरे भाड़ में जान दो, चल मैं भी छोड़ दिया। अगर किसी ने अच्छे से समझाया नहीं, इनके क्वेश्चन हैं, इस बिजनेस को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, तो क्या होगा, आपने बगैर तैयारी के और व्यक्ति को छेड़ दिया, बगैर तैयारी के, बगैर प्रिपरेशन के, तो व्यक्ति बेकार हो जाएगा, इस बिजनेस से निकल जाएगा। तो आपके टीम में एक क्राउन एम्बेसडर था और वो आपने बगैर तैयारी के आपने खो दिया, क्यों, आप उसे हैंडल नहीं कर पाए। और ऐसे ही तो होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, ये व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग है वो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, कौन व्यक्ति कितना बड़ा आदमी बनेगा कोई भी नहीं कह सकता है, और हम जिनको छेड़ते हैं वह व्यक्ति कितना बड़ा साम्राज्य बनाएगा यह भी नहीं हम कह सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छे से डील कर लिया जाए, अच्छे से तैयार कर लिया जाए, तो व्यक्ति बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकता है। नरसिंह ग्रेवाल जी को जिसने प्लान दिखाया उन्होंने इनको तैयार भी किया, मेरे को जिसने समझाया मुझे तैयार भी किया, और आपको किसी ने समझाया तो आपको भी तैयार कर रहे हैं, और आपको भी तैयारी करके उनको भी साम्राज्य बनाने के लिए डील करना है। इस बिजनेस में जिन लोगों को भी इस बिजनेस बनाना है, तो सबसे पहले बगैर तैयारी के लोगों को छोड़ो मत, आपको लीडर्स ढूंढने हैं, वो बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ इस बिजनेस को करना है। और ये सब चीज़ें बनाने के लिए, सिखाने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदमी स्वयं एफर्ट्स डालेगा तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं कर पाएगा। सपोज उदाहरण के लिए ये वाली मीटिंग अटेंड करनी थी आपको, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, ये मीटिंग आपको LDP अटेंड करनी थी स्वयं को, तो आपको ये तो समझ में आ गया अकेले की तो होगी नहीं LDP आपकी, ये आपको समझ में आ गया अकेले की LDP होनी नहीं है, और आपने टीम बनाई नहीं तो इस जीवन में तो अटेंड ही नहीं कर सकते थे। अगर सिस्टम ना होता तो सिर्फ आपकी टीम नहीं है, आपके डाउनलाइन में लोग ही नहीं है, और अकेले की आपकी LDP हो नहीं सकती, और आपको अटेंड करनी है, तो इसके लिए एक सिस्टम बना, तो आपके अकेले की टीम होने के बावजूद, आप स्वयं अकेले होने के बावजूद, अकेले 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 200 लोग हैं, तो सिस्टम ने क्या किया, 200 लोगों को एक छत के नीचे ले आया, और आप अकेले होने के बावजूद भी, आपने बड़ी टीम नहीं होने के बावजूद भी आपने इस LDP का हिस्सा बन पाए, ये सिस्टम है, समझ रहे हैं आप, यही सिस्टम है। तो इस तरह के लिए हमें 100 तरह के जुगाड़ नहीं, सही सिस्टम की आवश्यकता है, और सिस्टम क्या करता है, सेव योर टाइम, सेल्फ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, यह सिस्टम है। और अगर आपने सिस्टम को टेक केयर कर लिया, शुरुआत में तैयारी कर ली, सिस्टम को समझ लिया, तो आने वाले समय में सिस्टम विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, सिस्टम आपके बिजनेस को टेक केयर कर लेगा। सिस्टम क्या है, हमारे बिजनेस को हम क्या करें, वेन्यू पे लेके जाएं, प्लान होता है वेन्यू पे तो उसमें हमारा क्या जाता है, हम क्या एफर्ट डालते हैं,
वहाँ पर 100 लोग बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना हमने हॉल बनाया, ना हमने तैयारी की, ना 100 की टीम बनाई, उसके बावजूद भी हमें और हमारे प्रोस्पेक्ट को 100 लोग 200 लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट को अचीवर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, टेस्टिमनी सुनने के लिए मिल रही है, वहाँ एक बड़ा प्रोफाइल बड़ी पिक्चर देखने के लिए मिल रही है। यह सिस्टम कहलाता है, यह सिस्टम का पार्ट है। तो हमें इसका पार्ट बनना चाहिए, ना कि मैं कितना भी बड़ा काबिल क्यों ना हूँ, लेकिन मैं काबिलियत होने के बावजूद भी मैं बड़ी तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा, बड़ी तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा। बड़ी तस्वीर के लिए मुझे वहां पर सिस्टम में ले जाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, एज ए फ्रेशर बिगनर अपने लोगों को वेन्यू तक पहुंचाना चाहिए। आप प्लान दिखाएं, दिखाने के बावजूद भी, लोगों को ज्वाइन कराने के बावजूद भी आपको सिस्टम से जोड़ना है। इससे क्या होगा, आपको सिस्टम की बातें समझ में आएंगी, बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा अंपायर बना सकता है। दो तरह से बिजनेस होगा, पर्सनैलिटी बेस्ड बिजनेस करेंगे आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से आप कितने काबिल हैं, इसके आधार पे आप बिजनेस करोगे। और दूसरा तरीका है सिस्टम बेस्ड बिजनेस या सिस्टम बेस्ड सक्सेस, या सिस्टम में जोड़ करके लोगों को और सिस्टम पे आधारित आप बिजनेस बनाएंगे। जैसे आप लोग जितने भी लोग हैं, तो आप इन लोगों की इस टीम की मीटिंग हमारे द्वारा कब हो रही है, कई साल बाद हो रही होगी, 8 साल बाद हो रही है। इसका मतलब मैं 8 साल से इस टीम से मिला ही नहीं हूं, समझो। और 8 साल पहले तो ये तीनों डायमंड रहे होंगे क्या, 8 साल पहले मीटिंग में आए थे आप लोग, हमारी मीटिंग में थे, ये पूछ रहा हूं, हमारी मीटिंग में थे आप लोग, ये खुद ही पहली बार ले रहे हैं, ये डायमंड बनके भी पहली बार ले रहे हैं। 8 साल पहले दो थे और 8 साल से मिले ही नहीं आप लोगों से हम, और फिर और 8 साल बाद मिले तो 200 हैं, दो से दो 200 आ गए। अगर इसको समझो उदाहरण को, ये व्यक्ति विशेष सफलता अगर होती तो मैं ही करूंगा, मैं ना करूंगा तो होगा ही नहीं, मैं नहीं करूंगा, हम जहां जाएं वहां पताल से पानी निकाल देते हैं। अरे इसमें भी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे पताल से पानी निकालना, मजा तो तब है तुम जाओ ना, गदा ना चलाओ तो भी पानी निकलता रहे, सही है, ये सिस्टम है, समझो। और अगली मीटिंग 8 साल बाद फिर करनी पड़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंडीशन ये कि अभी 5 हैं, अगली बार 200 डायमंड होंगे, क्या दिक्कत है, 8 साल में तैयार हो लेंगे। काम पूरा होना चाहिए। अभी आप बताओ, मैं आऊं ना आऊं कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, आऊं ना आऊं का मतलब मैं आऊं ना आऊं, मैं रहूं ना रहूं, मैं इस दुनिया में भी रहूं ना रहूं तो भी काम चलते रहना चाहिए। ये सब सिस्टम है, यही एक मेन जड़ है, टाइम कंपाउंडिंग। ये बिजनेस टाइम कंपाउंडिंग के लिए हम आए हैं। अब आप बताओ, आपको पता चला कि मैं 8 साल बाद इस टीम में आया हूं और 8 साल में पहली बार मीटिंग हो रही है, और काम तो फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये वाला बढ़िया, या मैं ही प्लान दिखाऊंगा, मैं ही फॉलोअप करूंगा, मैं ही ट्रेनिंग में चलूंगा, मैं ही बाइक पे चलूंगा, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, वो बढ़िया, या ये बढ़िया, इसको समझना है। इसको आप फॉलो मत कर लेना कि आप भी 8 साल बाद ही मीटिंग करोगे आप दूसरी डाउनलाइन की, ठीक है, बोला मैं ये सीख के चला जाऊं। तो अभी हमें क्या करना है, बिलीव इन ट्रेंड योर सेल्फ, हमें खुद इस बात में बिलीव करना है कि अपने आप को ट्रेनिंग देने में, अपने आप को ट्रेंड करने में, कितने लोग भरोसा कर रहे हैं अभी कि अभी हमें इसमें भरोसा दिखाना है, सीखना है, तैयार करना है ना, तैयारी करनी है।